वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी। तो अब कल के लेक्चर में आपने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखा होगा, ठीक है, जिसमें मैंने आपको पूरी डिटेल बताई थी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्यों कहते हैं उसे। इसलिए कहते हैं क्योंकि वेजिटेटिव पार्ट से वो रिप्रोडक्शन किया जा रहा है, जैसे स्टेम, रूट, लीव्स, ये सारी। लीव्स वाला किस में था? ब्रायोफिलम में। क्यों? क्योंकि उसकी लीव्स में बड्स पाए जा रहे थे, उसके लमाइना के जो आउटर कॉर्नर से वहाँ पे बड्स पाए जा रहे थे, जिससे एक नए प्लांट का प्रोडक्शन हो सकता है, वो कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है। तो उसके अंदर क्योंकि ये क्षमता रहती है कि एक नया पूरा प्लांट अराइज हो सकता है, इसलिए उसको हमने बोला कि प्रोपेगेशन थ्रू लीव्स, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किससे हो रहा है, हमारा लीव्स के थ्रू हो रहा है, ठीक। तो वो बात थी, रनर इन ग्रासेस, राइजोम्स इन जिंजर, ठीक है, ऑफसेट्स इन आपके इसमें इकॉर्निया, वाटर हायसिंथ, टेरर ऑफ बंगाल, तीनों एक ही है लेकिन नाम अलग अलग है, किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको तीनों नाम याद रखने हैं, ठीक। इसको टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं ये भी याद होना चाहिए, ठीक, क्योंकि ये पूरे ऑक्सीजन को कैप्चर कर लेता है, जिसकी वजह से एक्वाटिक एनिमल्स की डेथ हो जाती है। इसके बाद हमने देखा था लास्ट वाला, अगेव या फिर ऑनियन। तो ऑनियन में प्रोपेगेशन किसके थ्रू होता है? तो बल्ब्स के थ्रू होता है, उसमें बल्ब्स पाए जाते हैं, जिसके बहुत सारे बल्ब्स पाए जाते हैं, और हर बल्ब के अंदर कैपेबिलिटी होती है एक नए पूरे प्लांट को अराइज करने की, या जो जो भी चीज़ हम खा रहे हैं, जो भी चीज़ हमने जिससे भी निकाल ली है, जैसे ऑनियन से निकाला तो एक नया ऑनियन पूरा बन सकता है, एक नया ऑनियन पूरा उस बल्ब के थ्रू बन सकता है, ठीक है। ये था हमारा कल के लेक्चर में, ठीक। तो थोड़ा सा आपका रिवाइज हो गया होगा, और ऐसे आपको कई चीज़ें मिली होंगी, ठीक, कई चीज़ें मिली होंगी, जैसे टैमरिंड जो होता है उसमें भी आपके राइजोम्स होते हैं, ऐसे आप ढूंढेंगे तो राइजोम्स भी कई चीज़ों में मिलेगा, ऑफसेट्स भी कई चीज़ में मिलेंगे आपको, आपको एग्जाम्पल्स कई मिलेंगे, ज़्यादा एग्जाम्पल्स मत बटोरने के चक्कर में रहिएगा, बस जितने एनसीईआरटी में है वो तो आपको प्रॉपरली लर्न करने हैं, वो एकदम दिमाग में होने चाहिए, वो तो पक्का होने चाहिए, और एक्स्ट्रा जितने भी आसपास के वो आपको जितने भी आप बुक में देख रहे हैं वो आप नोटिस करते रहिए, आप दो तीन बार देखेंगे, पांचवी बार में आपको पूरा लर्न हो जाएगा, फिर जैसे आप जिस दिन आप किसी और को बताने लायक हो जाए, समझ लीजिए आपका वो टॉपिक तैयार है, ठीक है। जिस दिन आप किसी को बताने लायक हो जाए कि कोई भी आकर के आपसे पूछो और आप उसको समझा ले जाए, वो समझ जाए, तो उस दिन आपका वो टॉपिक तैयार है। ये होती है टेक्निक, किसी को भी ले लीजिए, चाहे बस आपसे ज़्यादा तेज़ ना हो वो, ये ध्यान रखिएगा, वरना वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे उस चक्कर में, ठीक। तो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ख़त्म किया था, अब हम शुरू करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो चीज़ों में पाए जाते हैं, हमारा एक फ्लावर में और एक हमारा ह्यूमंस में। यही कारण है कि जब आप 12th में जाएंगे तो उसमें दो चैप्टर्स आपको मिलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स सेकंड चैप्टर, और थर्ड चैप्टर आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें पूरा डिटेल आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में थर्ड चैप्टर में मिल जाता है, और सेकंड चैप्टर में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं दोनों टॉपिक्स बहुत बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि आप 10th क्लास में हैं, अभी थोड़े से छोटे हैं, थोड़े से क्योंकि आप मैच्योर तो एक बीच की स्टेज तो आ चुकी है कि अर्थ पास कर लिया 10th में है, तो यू आर मैच्योर बट नॉट मैच्योर इनफ कि आप इतने कैपेबल हो सकते हैं कि आपको बहुत सारा सिलेबस दे दिया जाए, ठीक है। तो वो कैपेबिलिटी अभी आपके अंदर नहीं आई है, हालांकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शुरू से मेहनत कर रहे हैं उनके अंदर होती है, लेकिन फिर भी अगर हम एवरेज लेवल पे देखें तो हर बच्चे के अंदर नहीं होती है। हर बच्चा अपने आप में एक नया एक कुछ ना कुछ एक यूनिक कैरेक्टर या यूनिक टैलेंट रखता है, कोई गाने में अच्छा है, सिंगिंग में कोई अच्छा है, कोई ड्राइंग क्रिएटिविटी में बहुत अच्छा है, ठीक है। तो हर इंसान के पास कोई ना कोई स्किल होती है, तो जैसे मैंने कहीं पर पढ़ा हुआ था कि हुनर सबके अंदर होता है, किसी का छप जाता है तो किसी का छिप जाता है, ठीक है। तो टैलेंट सबके अंदर है, स्किल सबके अंदर है, उसको छुपाइए मत, उसको उभारिए, छिपाना नहीं है हमें, छपवाना है कि आपके बैनर्स लगें, लोग उसको पहचानें, लोग उसकी सराहना करें, छिपना नहीं चाहिए, छपना चाहिए, ये कोशिश रखिएगा जो भी स्किल्स हैं आपकी, ठीक है। लेकिन ये तो जैसे नेसेसिटी है हमारे लाइफ की, चाहे वो बॉलीवुड के एक्टर हों, चाहे हमारे मम्मी हों, चाहे पापा हों, चाहे आगे वाली जनरेशन हो, जो भी है, पढ़ना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, कम से कम पास होने लायक एवरेज मार्क्स इतने हो जाए कि हम किसी को सर झुका करके ना खड़े हों, एटलीस्ट सामने खड़े होने लायक रहे, इस तरह के मार्क्स आने चाहिए। जो हो गया, टर्म फर्स्ट बीत गया, कोई दिक्कत नहीं, आप नेक्स्ट में अच्छा करिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच
टू पेरेंट्स इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, क्योंकि वहाँ पे हमने सिंगल पेरेंटिंग देखी थी ना, सिर्फ एक सिंगल पेरेंट था जो कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा था, बर्ड्स एक ही था ना, कहीं और दूसरे से हमने मिला करके कुछ नया प्लांट बना नहीं, आपके लीव्स एक ही थी ना, उसी का तो बर्ड था, कोई नई प्लांट की लीफ मिला करके हमने कुछ जोड़ करके नया प्लांट बनाया नहीं, सिर्फ एक ही लीफ से काम चल गया। राइजोम्स में जो हेयर्स थे उन्हीं से चल गया था, वहाँ पर एसेक्सुअल था, सिंगल पेरेंट थिंग थी, यहाँ पर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस में भी हम देखते हैं मेन फीमेल इन्वॉल्व होते हैं तब जाकर के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है, फ्लावर में भी हम देखते हैं मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, तब जाकर के उसमें पॉलिनेशन के थ्रू एक नया पूरा फ्लावर बनता है, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ठीक इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको हम क्या कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्योंकि आपका आपका वन मार्कर खत्म, एमसीक्यू खत्म, अब आपसे फीचर्स पूछेगा, वो आपसे डिटेल पूछेगा और अच्छे से पूछेगा, क्योंकि एक बार तो आपने पूछने नहीं दिया दो चैप्टर में, तो जितना पूछना है इसी में पूछेगा, ठीक है, तो क्वेश्चंस अच्छे खासे आएंगे, ऐसा नहीं बहुत टफ पेपर आता है, आंसर कभी टफ नहीं होता है, क्वेश्चन टफ होता है, आंसर तो उसी किताब में से मिलता है ना, हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाते इसलिए हमें टफ लगता है, हो सकता है वही क्वेश्चन किसी के लिए बहुत आसान हो या उसको समझ में आ रहा हो, तो क्वेश्चन कभी टफ नहीं होते हैं, आंसर कभी टफ नहीं होते हैं, हमारे क्वेश्चंस हो सकते हैं टफ हमें लग रहे हों, ठीक है, लेकिन आंसर सबके सेम होते हैं, जैसे क्वेश्चन कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है इसको हम समझ नहीं पाते हैं, आंसर जानते फिर भी लिख के नहीं आते हैं, तो ये गलती आप मत करिएगा, बिल्कुल मत करिएगा, क्वेश्चन को समझिए, नहीं आता तो आप समझिए, किसी से कंसल्ट कीजिए, जो आपको टर्म्स नहीं समझ में आते आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वी आर अवेलेबल फॉर यू, यू नो फ्री ऑफ कॉस्ट, हमेशा हम जब भी देखेंगे उसका रिप्लाई आपको करेंगे, आपकी बस एक स्टेप रखने की देर है, अगर उसके साथ में दूसरा स्टेप हम ना रखें तो हमारी गलती, ठीक है, आप एक स्टेप रख के तो देखिए। तो ये था, अब फीचर्स अगर आपसे कोई कह दे कि एग्जैक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में के फीचर्स क्या क्या होते हैं, अब बच्चा कन्फ्यूज, फीचर्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या होते हैं, ऐसा क्या होता है, अब बच्चे को पता सब कुछ है लेकिन वो लिख नहीं पा रहा है, तो वो लिखने के लिए कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो इसमें पता चल गया हमें, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, यानी कि इसमें दो पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, ठीक है, सिंगल पेरेंटिंग नहीं होती है। दूसरा, सेक्स ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व, यानी कि अब जो गैमिट्स, यहाँ पर गैमिट प्रोडक्शन होता है, क्या होता है गैमिट प्रोडक्शन, यहाँ पर मेल गैमिट बनता है और फीमेल गैमिट बनता है, मेल गैमिट हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनता है, फीमेल गैमिट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनता है, ये दोनों कंबाइन करते हैं, फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट इज टर्म्ड एज फर्टिलाइजेशन, इसको हम लोग क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इसी को सिनगैमी भी कहते हैं, ठीक है, गैमी गैमस जो वर्ड होता है ये होता है फ्यूजन का, मतलब जोड़ना, और सिन का मतलब होता है उसमें सिनगैमी, इसलिए इसको फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमिट को कहा गया यहाँ पर सिनगैमी, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ों का जोड़ हो रहा था, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन तो आप जानते हैं मेल और फीमेल को का जब फ्यूजन होता है उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो गैमिट्स आए कहाँ से, गैमिट्स कहाँ से आए, गैमिट्स आए हमारे सेक्स ऑर्गन में प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमारा ये मेल गैमिट और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फीमेल गैमिट, इतना ये आपको पता चल गया, यानी कि अब कहीं ना कहीं इसमें सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, बिना इनके गैमिट प्रोडक्शन होगा नहीं, और जब तक गैमिट नहीं बनेगा तब तक हम आगे की कोई प्रक्रिया यानी कि जायगोट वगैरह कुछ भी नहीं देख सकते, तो सेक्स ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व। नेक्स्ट है हमारा गैमिट, अब अगर सेक्स ऑर्गन आएगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, गैमिट्स प्रोड्यूस करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारा मेल गैमिट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल गैमिट, यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स होते हैं मेल और फीमेल दोनों, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसा कि मैंने कहा मेल गैमिट और फीमेल वाला फीमेल गैमिट, यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। अब फॉर्मेशन हुआ है तो क्या होगा, किस लिए हुआ है, फ्यूजन के लिए हुआ है भाई, फर्टिलाइजेशन के लिए। फिर उसके बाद में आपका होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट, जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ये जो गैमिट्स प्रोड्यूस होकर के आए हैं बाय द प्रोसेस ऑफ गैमिटोजेनेसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ गैमिटोजेनेसिस, मैम ये क्या होता है, गैमिटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग गैमिट्स, ऑफ प्रोड्यूसिंग गैमिट्स, ठीक है, फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अगर टू आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हो सकता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो सकता है, बस चीज़ें इतनी कि मेल वाला फिर मेल गैमिट और फीमेल में फीमेल गैमिट, लेकिन प्रोसेस कौन सी होती है, गैमिटोजेनेसिस की होती है, गैमिटोजेनेसिस। अब जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, गैमिट का फॉर्मेशन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमिट,
को हम क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस, जिसमें आपके मेल और फीमेल दोनों आते हैं, उससे हमारे गैमेट्स बनते हैं, फिर इनका फ्यूजन होता है। अब दो चीज़ें, जैसे मैंने कहा था कि रेड और वाइट मिलाओगे तब पिंक बनेगा, येलो और रेड मिलाओगे तो ऑरेंज बनेगा, वैसे ही यहाँ पर मेल के कुछ कैरेक्टर्स और फीमेल के कुछ कैरेक्टर्स दोनों मिल करके ऑफस्प्रिंग में आते हैं, उसको हम लोग हाइब्रिड बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि दोनों के कैरेक्टर्स उसमें आ रहे हैं, इसलिए उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन हम देखेंगे। सेम चीज़ उठ करके नहीं आ रही है, सेम चीज़ उठ करके नहीं आ रही है। जैसे आपने वाटर लिया और उसको दूसरे ग्लास में डाल दिया, तो क्या उसमें कुछ चेंज हुआ? नहीं हुआ। अब आपने वाटर लिया, ग्लास में डाला और साथ में एक पिंच सॉल्ट भी डाल दिया या शुगर भी डाल दिया, तो चेंज हो गया। वैसे यहाँ पर जब दो चीज़ें कंबाइन कर जाती है, उसके बाद में ऑफस्प्रिंग के अंदर दोनों के कैरेक्टर्स आते हैं, उस कारण की वजह से वहाँ पर वेरिएशन आता है। क्या आता है? वेरिएशन। वेरिएशन होता है पेरेंट्स ऑफ ऑफस्प्रिंग के बीच में। इसको अगर आप आसानी से ये समझ सकते हैं, जैसे हम देखते हैं कि आपका इसमें क्या कहते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, जैसे मैंने देखा था, आपने देखा होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कि एक बल्ब जो होता है अनियन को बनाता है, तो वो जो बल्ब था वो हमने अनियन से जिस निकाला, उसके सेम जैसा अनियन हमें मिलेगा ना, यही तो होता है। टोमेटो के बाद जो नया टोमेटो यानी कि ऑफस्प्रिंग आएगी, टोमेटो की तरह ही होगी। पर क्या ये ह्यूमंस में पॉसिबल है? क्या ये ह्यूमंस में पॉसिबल है कि पापा की तरह ही बच्चे का चेहरा हो, सेम टू सेम डिप्टो कॉपी? नहीं होता, नहीं होता। वो सिर्फ सूर्यवंशी फिल्म में ही होता है, यहाँ नहीं होता है। रियलिटी और मतलब रियल लाइफ और रियल लाइफ में डिफरेंस है। सूर्यवंशी में वहाँ पे पूरी कॉपी और वो तो डबल रोल था ना, यहाँ पर डबल रोल तो होता नहीं है कि पापा भी एक ही बन जाए, बेटा भी एक ही बन जाए, है ना, सेम फेस वाला। तो यहाँ पर फेस चेंज होता है, यानी कि कहीं ना कहीं जेनेटिक लेवल पे और आपके फिजिकल लेवल पे दोनों में वेरिएशन होता है। सेम चीज़ें नहीं आ सकती, मदर के तरह भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दोनों के कैरेक्टर्स उसमें ऑफस्प्रिंग में आएंगे ना, आधे उसके आधे उसके। हाँ ये हो सकता है डोमिनेशन किसी का ज़्यादा हो। डोमिनेशन का क्या मतलब होता है, आगे जब आप ट्वेल्थ में जाएंगे तो आपको डोमिनेशन पढ़ाया जाएगा। एक होते हैं रेसेसिव कैरेक्टर, एक होता है डोमिनेंट कैरेक्टर। जैसे मान लीजिए कि फादर और मदर में से एक ब्लैक टोन का है और एक हमारा वाइट टोन का है। अब बच्चा जो आया वो वाइट टोन का है, मतलब वाइट उसका जो टोन है यानी कि जो फेयर, वो बहुत फेयर है। तो अब आप कहेंगे कि मैम वो तो पूरा पूरा मम्मी की तरह है, पर ऐसा थोड़ी है मम्मी के फेस के जैसा हो। अगर वो डॉटर है तो वो क्या पूरी टू कॉपी मदर की तरह ही होगी? ऐसा नहीं है। हाँ डोमिनेशन है, हो सकता है जो नेक्स्ट वाला है वो फादर की तरह उसका कलर टोन हो, तो ये डिसाइडेड नहीं होता है। जीन जैसे भी हम देखते हैं, जो भी जीन आपकी डोमिनेट कर जाती है, उस तरह का ट्रेट ऑफस्प्रिंग में देखा जाता है। जैसे अगर टॉलनेस और डॉर्टनेस दोनों की जीन आ गई बच्चे के अंदर, तो जो डोमिनेट करेगी, अगर टॉल वाली डोमिनेट करिए तो बच्चा टॉल होगा, और डॉर्फ वाली अगर डोमिनेट करिए तो डॉर्फ आएगा, और दोनों ही डॉर्फ है, मतलब दोनों ही जीन डॉर्फ है तो फिर डॉर्फ ही होगा, दोनों टॉल है तो टॉल ही होगा। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, तो आपको डोमिनेशन पढ़ाया जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि वेरिएशन होता ही नहीं है। वेरिएशन कहाँ, हम लोग एवोल्यूशन के थ्रू, अगर हम एवोल्यूशन मंकी के बाद में मैन बना ह्यूमन, फिर आपके आप एवोल्यूशन जब चैप्टर पढ़ेंगे, आपके में भी और ट्वेल्थ में भी है, ट्वेल्थ में तो बहुत डिटेल में होमो इरेक्टस और काफ़ी आप आदि मानव के टाइम से देखेंगे कितना डेवलप ब्रेन कैपेसिटी है उनकी, कितनी कम होती थी। आज जो हमारी ब्रेन कैपेसिटी है उससे बहुत कम होती थी। जैसे आपके घर में भी कुछ बताए ना, मंद बुद्धि बच्चे हैं, तो सेम समझ लीजिए जैसा छोटे बच्चे को कुछ नहीं पता होता था, वैसे आदि मानव थे। वो डेवलप करते हुए, यानी कि डेवलपमेंट उनका किसके थ्रू हुआ, ये जो उनके फीचर्स थे वो इन्हांस हो रहे थे एवोल्यूशन के थ्रू धीरे धीरे, है ना। जैसे जब हम कुछ एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो दोबारा, जैसे बच्चे को कितना मना करोगे, नहीं छूना, फ्लेम के पास नहीं जाना, नहीं जाना, जब तक वो एक बार छू लेने दो, जब एक बार जल जाएगा तो दोबारा नहीं जाएगा वो। रीज़न एक्सपीरियंस हो गया ना कि हाँ कोई डेंजरस जोन है जहाँ पे दोबारा जाएंगे तो हाल वही होगा जो पहले हुआ था। ठीक है, तो फील करना ज़रूरी है। एक्सपीरियंस कभी कभी नेसेसिटी हो जाती है हमारे लाइफ की। एक्सपीरियंस जब तक हम नहीं लेंगे तब तक कोई चीज़ें हम सीख ही नहीं सकते, या कोई चीज़ों की सही से हम सीख नहीं ले सकते। सीख तो सब कुछ सकते हैं, पर सीख लेना और सीखना ये थोड़ी सी डिफरेंट बातें हैं। जिसको पता, जिसने महसूस किया होगा उसी को पता होगा। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। वेरिएशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वेरिएशन के कारण ही चीज़ें डेवलप हो रही हैं, फीचर्स इन्हेंस हो रहे हैं ह्यूमंस के अंदर और भी बाकी सारे जितने भी सेक्शुअल प्रोडक्शन वाले एनिमल्स हैं उनके अंदर।
ठीक है, ये चीज़ें तो वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपको शब्द मिला होगा क्लोन, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डू क्लोन फॉर्मेशन अकर्स इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? नो, व्हाई? क्योंकि क्लोन तो आपका एसेक्सुअली बनता है ना, क्लोन आपका इसमें कैसे बन सकता है? क्लोन ऑफस्प्रिंग होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वालों की, यानी कि जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअल मोड के थ्रू, उनमें जो ऑफस्प्रिंग बन रही है वो हमारी क्लोन होती है। क्यों क्लोन कहते हैं? क्लोन मतलब होता है कॉपी, क्लोन मतलब होता है कॉपी, यानी कि जेनेटिक मटेरियल टू कॉपी, यानी कि उसकी एकदम सेम टू सेम कॉपी आकर के उठ करके ऑफिस में चली आई उससे, और जेनेटिकली यानी कि उसकी जीन और फिजिकल कैरेक्टर दोनों सेम टू सेम मैच करते हैं, इसलिए उनको क्लोन बोलते हैं। पर ऐसा यहाँ नहीं होता है, ऐसा यहाँ नहीं होता है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर वेरिएशन क्योंकि आता है इसलिए यहाँ पर क्लोन फॉर्मेशन नहीं होता है। तो एक पॉइंट आप और लिखेंगे इसमें, नो क्लोन फॉर्मेशन। ठीक है, अब हमारा फ्लावर्स और ह्यूमंस में दोनों में होता है, तो सबसे पहले हम फ्लावर के भी कुछ आपके डायग्राम्स देखेंगे। फ्लावर्स के क्या देखेंगे? डायग्राम्स देखेंगे, यानी कि पहले आपको समझाना पड़ेगा। ह्यूमन में भी आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके हम डायग्राम देखेंगे, फिर उसमें गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर आप में फर्टिलाइजेशन, जैसे आप एक शब्द में ख़त्म हो गया, एग्जैक्टली फर्टिलाइजेशन इतने में नहीं खत्म होता है, तीन फेजेस होते हैं इसके, तीन इवेंट में फर्टिलाइजेशन जाकर खत्म होता है। पहला होता है हमारा प्रेपरेटरी फेज, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। दूसरा होता है हमारा फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब जिसमें एग्जैक्टली फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है, और तीसरा होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक, जैसे जब प्रेगनेंसी होती है तो उसमें होती है प्री प्रेगनेंसी, यानी कि जिसमें 9 मंथ्स का पूरा फेज होता है, फिर एग्जैक्टली जब डिलीवरी का केस आता है, और फिर पोस्ट नेटल केयर या फिर पोस्ट मैटरनिटी केयर जो होती है, बच्चे और माँ दोनों की जो केयर होती है वो हमारी पोस्ट इवेंट में आती है। उसी तरह से यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के भी तीन इवेंट्स होते हैं, जिसमें पहले वाले में तैयारी होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, गैमेटोजेनेसिस वगैरह, फिर जब गैमेट बन जाते हैं तो एग्जैक्टली फर्टिलाइजेशन इसमें होता है, और उस फर्टिलाइजेशन से हमें क्या मिला, फ्लावर मिला, सीड किससे मिलता है, फ्लावर कैसे बनता है आपका, सीड कहाँ बनता है, सीड कोट, बहुत सी चीज़ें हमें मिलेंगी, ओवम ओवरी, बहुत सी चीज़ें, तो आगे की उसमें हम वो चीज़ें देखेंगे। यहाँ तक का ये जो आज का आपका टॉपिक था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर, इस पर आप जाइएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको आप नोट करिए अपनी कॉपी में और पॉइंट्स में इसको लिखिए। इसको पॉइंट्स में इसलिए लिखवाया ताकि आप याद भी कर सके और आपको थोड़ी सी आलस भी ना आए, इसलिए छोटे छोटे पॉइंट्स में ख़त्म कर दिया है। आगे हम इसकी डिटेलिंग भी देखेंगे, जिसमें हम लोग उसकी पूरी फ्लावर और ह्यूमन जितने भी पार्ट्स हैं वो पूरे पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, आपको जो भी चीज़ें ना समझ में आई हो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, वी आर अवेलेबल फॉर यू, यू नो एवरी टाइम, आप हम जब भी देखेंगे तो हम उसका रिप्लाई करेंगे। हम मैंने कहा ना, आप एक स्टेप रख के तो देखिए, दूसरा ना रखा जाए तो हमारी गलती। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इस पे जाकर के आप जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे सॉल्व करिए। स्पेशली मैं आपको 1 मार्कर भी कह रही हूँ, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 5 मार्कर पूरे आपको लगाने हैं। ठीक, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, विल मीट सून इन नेक्स्ट वीडियो।